हरियाणा की हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें एसटीवी हरियाणा न्यूज। किसानों के विरोध में किसान आंदोलन लगातार जारी है। इसी बीच कल ढांसा बॉर्डर पर किसान शहीद दिवस मनाएंगे। हजारों की संख्या में युवा किसान मोटरसाइकिल के काफिले के साथ ढांसा बॉर्डर पहुंचेंगे। बता दें कि राकेश टिकैत के भतीजे गौरव टिकैत भी शहीदी दिवस के कार्यक्रम में ढांसा बॉर्डर धरने पर पहुंचेंगे। और वहीं किसानों का कहना है कि शहीदी दिवस के प्रोग्राम से हजारों युवा किसान आंदोलन से तो जुड़ेंगे ही, इसके साथ ही युवा शक्ति तीन कृषि कानूनों के खिलाफ चल रहे आंदोलन में एक नया जोश फूंकने का भी काम करेगी। इस दौरान बुजुर्ग किसानों के सम्मान के सभी बुजुर्गों को साफा पहनाकर सम्मानित किया जाएगा। ढांसा बॉर्डर पर भी शहीदी दिवस जो मनाने हम जा रहे हैं, यहाँ भारी संख्या में गुड्डा गांव से जो युवा साथी है वे अपनी मोटरसाइकिल लेकर गाड़ी लेकर शांतिपूर्वक तिरंगा लगाकर झज्जर का एक राउंड लगाएंगे और वे ढांसा बॉर्डर पर वे भी यहाँ पहुँचेंगे। और कल यहाँ भी हम हमारी जो खाप पंचायतें हैं वे सभी बुजुर्गों को साफा बांध कर सम्मानित भी करेंगे हमारी बुजुर्गों को। और यहाँ उनके बीच में एक दो चांद और लगाने के लिए हमारे किसान नेता गौरव टिकैत भी आपके बीच में ढांसा बॉर्डर पे जो पहुँच रहे हैं, तो मैं तो यही कहूँगा ढांसा बॉर्डर पे अपने किसान भाइयों से आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में पहुँच कर ढांसा बॉर्डर पे जो शहीद दिवस है उसमें आप शामिल हो।